क्या हुआ है? आई थिंक कुछ आंख में चला गया मेरे। अब दिखाओ आंखों ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। अभी ठीक है? क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें। पहले कभी नहीं देखी क्या? तुमने देखने कब दी हैं? आज मौका मिला तो बता दिया। अब क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छा यहां तो देखो। मुस्कुरा भी दो। हाँ ऐसे। जैनी, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे हमेशा शिकायत रहती है कि मैं अपने दिल की फीलिंग्स जो हैं वो तुमसे बयान नहीं कर पाता खुलकर। मुझे आता ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। जैनी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनाने में जरूर हाथ ज्यादा करा है, लेकिन मेरे दिल में जगह तुमने बनाई है। जैनी, मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि वो तुम हो जिसने ही मुझे एहसास दिलाया है कि मोहब्बत खुद तक महदूद रखने के लिए नहीं होती, बल्कि दो लोगों में शेयर करने से बढ़ती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं जैनी। तुम करोगी ना मेरी मोहब्बत पर यकीन? बताओ जैनी, करोगे? That for you. Thank you so much. So beautiful. Thank you. Thank you. Thank you so much. How do you feel like it? सच में बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। Thank you. खुश हो आप? बहुत ज्यादा। अक्का, कोई शिकायत तो नहीं? कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छे तो लग रहे हो। नजर उतार लेना अपनी। तुम्हारी नजर लगी रहे, यही तो चाहता हूं मैं। साथ तुम भी ना, कभी तो सीरियस हो जाया करो। क्यों, तुम्हें मजाक लग रहा है ये? अब जो तुम इतनी बातें बना रहे हो, अब तुम्हें देर नहीं हो रही? अच्छा जी, चला जाता हूं मैं। और तुम यूनिवर्सिटी कैसे जाओगी? आज तो मेरा ऑफ है। और कल? मैं लेने आ जाऊं? जाते वक्त छोड़ दूंगा? अरे नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलो अच्छा, मैं वापसी पर चक्कर लगाऊंगा फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय।
मैंने तुम्हें पहले भी कभी नहीं रोका, अब भी नहीं रुकूंगा। लेकिन बेटा ये ऐसे अचानक फैसले लेना कुछ ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अबू बेटे, सोच लो एक बार और, नौकरियां मिलनी कौन सी आसान है। अम्मी मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया, मैं बस आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ यहीं पर। तुम्हारी मर्जी। थैंक यू अबू। अबू एक और बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ कहो। अबू मैं जानता हूँ ये बात ऐसे मौके पर करने की नहीं है, हो सकता है आप मुझसे नाराज भी हो जाएं, पर जो भी कुछ कहना है खुलकर कहो यार। अबू क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मेरा और टॉली का निकाह करवा के रुख्सती करवा दें? क्या क्या कह रहे हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा, ये बात कहां से आ गई अचानक? शरबत आराम से, मैं बात कर रहा हूँ। बेटा अपनी बहन की हालत देखिए, इसमें क्या किस तरह हो सकता है तुम्हारा निकाह? अकलौते भाई हो तुम अली, जरा बहन है तुम्हारी, ऐसी बेहिसी की बात तुम सोच भी कैसे सकते हो बेटे? तुम्हें एहसास है तुम्हारी बहन किस तकलीफ से गुजर रही है? तुम्हें अपनी खुशियों की पड़ी है? मैं ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। सारा का दुख मुझसे कुछ अलग थोड़ी है, मुझे खूब पता है उसके हालात का। तो फिर ठीक, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ी देर के बाद देख लेंगे। डॉली ने कहा है तुम्हें ये सब कुछ, उसके इसरार पे कह रहे हो? नहीं अम्मी, आप गलत सोच रही हैं, उसने कुछ ऐसा नहीं कहा, और अगर कहा भी हो तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। जारा ने भी तो अपनी शादी के बाद थोड़ी की थी ना। देखो उस वक्त हालात कुछ और थे, मजबूर थे हम लोग। अब वो फिर आप ऐसे ही समझे कि मैं भी मजबूर हूँ, वरना कभी आपसे जिद ना करता। को पता है कि जारा मेरे लिए कितनी अहम है। तो फिर अब ऐसी कैसी मजबूरी आ गई कि ना तुमको सुनने के लिए, समझने के लिए, बात करने के लिए तैयार हो? ऐसा क्या हो गया? वो आप नहीं जानते किस घर में क्या हो रहा है। क्या क्या मतलब, क्या क्या हो रहा है, क्या मतलब समझा नहीं मैं। अबू माहिन ने डॉली पे हाथ उठाया बिना किसी रीजन के। अब आप बताइए इसमें मैं क्या करूं? बिचारी तो आती है आपकी खिदमत करती है, इस घर की बहू है, कितना अच्छा सोचती है आप सबके लिए, माहिन आप ही ने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इसलिए मैं चाहता था कि ये बात मैं आपसे खुद करूं। इसीलिए उस दिन भाभी और डॉली अचानक चली गई थी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? डॉली नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता चले। एक छोटी बात नहीं है बेटे, तुम्हें कम से कम मुझे या अपनी माँ को आके बताना चाहिए था। मैं कहती थी ना आपसे, मत दे इस लड़की को इतनी ढील, अब देख ले सर पे चढ़ाने का नतीजा। इसीलिए माहिन आपी उसामा भाई के साथ जाने के लिए मान गई, अगर वो यहाँ होती तो जरूर सबको पता चल जाता। मुझे माहिन से उम्मीद नहीं थी, डॉली इस घर की बहू है, इस तरह का शुरू उसके साथ होना नहीं चाहिए था। शरबत तुम्हें तो कम से कम माहिन पे नजर रखनी थी ना। मुझे अगर पता चल जाता ना मंसूर साहब, तो मैंने खुद उसे हाथ पकड़ के ससुराल छोड़ के आना था। सारी दुनिया में जलील करके रख दिया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने। अब मैं इसलिए चाहता हूँ कि इसमें आपका फैसला आप खुद करें, वरना माहिन आपी ने तो डॉली को साफ कह दिया कि वे शादी नहीं होने देंगी। कौन होती है, माँ बाप जिंदा हैं अभी तुम्हारे, वो है कौन ये फैसला करने वाली? ये काम करो, मुझे जरा कुछ सोचने का वक्त। ठीक है अबू, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
आप जो भी फैसला करेंगे वो सबके हक में बेहतर होगा। आप लोगों ने उसकी बात मान ली, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। तुमने हाथ उठाया था उस पे? अम्मी मैं गुस्से में थी, मैंने जानबूझकर हाथ नहीं उठाया उस पे। जानबूझ के तो हमने ढील दी है, सर पे चढ़ा लिया है। तब आप क्या चाहती हैं? उसके सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, उसके कदमों में गिर के माफी मांगूं उससे? कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान। अरे बच्चे, शरीफ घरानों में ऐसा नहीं चलता। अम्मी आप मुझे एक बात बताएं, अपने बेटे की तो बात सुन ली आपने, उससे आपने पूछा तक नहीं कि उसने अपनी बहन की बात सुने बगैर कैसे अपने मंगेतर की साइड ले ली। मुझसे पूछता तो सही कि मुझे आखिर गुस्सा आया किस बात पे था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें गुस्सा किस बात पे आया था, क्या जानते नहीं है हम तुम्हें? ये हरकत हर लिहाज से गलत थी। तुम्हारे अबू भी बहुत नाराज हैं तुमसे, पता है? अम्मी डॉली ने बढ़ा चढ़ा के बताया सब आपको। मेरे लिए बस कर दो, चुप कर जाओ। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारे अबू सख्ती से पेश ना आए तो तुम इस घर के मामलात से दूर रहो। है ना तुम्हारे अबू सलामत है ना इस घर के मामलात को देखने के लिए? तुम पे छोड़ दो, तुम्हारा क्या मसला है? चल पड़ती है लड़ने। यार मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। यार तुम्हें मैसेज करके तो गई थी, अब्बू ने बुला लिया था, बस उनसे ही बात करी थी। वो तो ठीक है ना यार, लेकिन उस बात को तो 2 घंटे हो गए ना, और तुम जानती हो मैं तुमसे 5 मिनट बात ना करूँ ना मैं अजीब सा होने लग। तुम देना वो अब्बू ने जरूर भी बात करनी थी तो सबको बुला, तो बस बात करते करते देर हो। जरूरी बात, खैरियत तो है ना? कहीं तुम्हारे अब्बू को मेरे बारे में मालूम तो नहीं चल गया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो दरअसल आफी के लिए ना रिश्ता आया था और वो लोग इसी जुम्मा को निकाह करना चाहते, तो बस इसी बारे में बात हो रही थी। हाँ अच्छा अच्छा, वाह भाई इस बात पे तो ट्रीट बनती है। हाँ क्यों नहीं, जरूर। और आप ही अब यहाँ से चली जाएंगी ना, ना हमारे बात करने में कोई मसला, ना मिलने में कोई रुकावट। मैं बहुत खुश हुआ यार, बहुत ज्यादा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने घर वालों को मना सकें। चल बताओ क्या कह रहे थे अब्बू? मुझसे कुछ भी करा ले, लेकिन ये ना कहें, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। बस करो, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारी बदतमीजी को, अब नहीं करूंगा मैं। डॉली इस घर की होने वाली बहू है, मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है। रोज मैशन में उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे सामना करूंगा उसका? मैंने वादा किया था अपने दोस्त से कि उसकी औलाद को कभी बेसहारा नहीं होने दूंगा, लेकिन तुमने शर्मिंदा कर दिया मुझे। मेरी बरसों की कमाई मेहनत पर पानी फेर दिया, सब मेरा भरम, मेरा मान सब कुछ मिट्टी में मिला था। मैंने कुछ नहीं किया, वो बदतमीजी कर रही थी मुझसे, मैंने जानबूझ नहीं किया वो। अरे तो तुम चुप हो जाती बेटा, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? माई बड़ी बहनें जो होती है ना, माँ का रूप होती है। अगर छोटे बदतमीजी करते हैं तो बड़ों का फर्ज है कि वो उन्हें समझाए, लेकिन जो रास्ता तुमने इख्तियार किया वो सरासर गलत। ना तुम क्या समझ रही थी कि वो सिर्फ तुम्हारी भाभी, जैनी की होने वाली नन भी तो है ना वो? इसके लिए कितनी मुश्किलात पैदा की है इसका अंदाजा है तुम्हें? इसे तो किसी रिश्ते का कोई लिहाज ही नहीं है। अम्मी अब आप नाइंसाफी कर रही हैं। मैं उस दिन इसलिए चली गई थी कि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। हाँ बेटा, मैं भी इसी गुमान में था कि मेरी बेटी को शायद बाप की बेबसी पे तरस आ गया और वो
खामोशी से अपने ससुराल चली। लेकिन नहीं, मेरा गुमान तो गलत नहीं, तुम तो अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए गई थी। बस बस माई, मेरा सर शर्म से छुप गया है, अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें डॉली से माफी मांगना होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, समझी तुम? अब्बू,